यार मानना पड़ेगा ये बेशर्म इंसान को कि कैमरे के सामने जब ये आता है तो बोलता है कि खेसारी लाल यादव मेरा छोटा भाई है, मैं उसे अपना कंपटीटर नहीं मानता हूँ और मैं खेसारी को अपना कंपटीटर नहीं मानता। अबे साले तभी मैं माफ करना हूँ। और पीठ पीछे अपने साथ रखने वाले लोग से खेसारी लाल यादव को ट्रोल करवाता है, जैसा कि पवन सिंह के टीम से ये विशाल सिंह आता है जो खेसारी लाल यादव को भैया धजिया उड़ा के रख दिया है। जिसके पास भगवान ने उसको मुंह तो दे दिया है, पर उस मुंह को कब कहां कैसे खोलना है ये नहीं पता है। मतलब खेसारी लाल यादव को इतना ज्यादा धजिया उड़ा दिया कि खेसारी लाल यादव की टीम के लोग को भी इस पे एक्शन लेना पड़ा, उनको भी दुख लग गया। जैसा कि अखिलेश कश्यप अपने फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट करते हैं कि ढेर न दिक्कत हो जाए, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा। मतलब ये कितना घटिया बेशर्म इंसान है कि कैमरे के सामने आकर बोलता है कि खेसारी मेरा छोटा भाई है, तरह तरह के बातें बोलता है ऐसा कि जैसा, मतलब इससे कोई किसी प्रकार से दुश्मनी नहीं है। तुम्हें शर्म है कुछ शर्म आया है? लेकिन भैया पीठ पीछे पवन सिंह खेसारी लाल यादव को अपना दुश्मन मानते हैं। भाई जब ये दुश्मन नहीं मानते तो इस प्रकार से ट्रोल नहीं करवाते। खेसारी लाल यादव अपने साथ रखने वाले लोगों से कभी ट्रोल नहीं करवाए हैं और ये खेसारी लाल यादव यही सब बातों को लेकर हमेशा पवन सिंह को बांस करते रहते हैं, तो इनको दुख लगता है। चमन साथे बालों के समझाई ना, तो हम अपना लेकिन के बोल देव ना, तो फिर दूसरी स्थिति होने लगी। तो पवन सिंह को दुख लगता है कि खेसारी हमें ऐसे बोलता है, मीडिया के सामने आकर भी बोलते हैं, लेकिन जरा इस चीज को सोचिए कि अपने साथ रखने वाले लोगों से इस प्रकार से बोलवाते हैं तो ये इंसान को दुख लगेगा कि नहीं लगेगा? ये भी इंसान ही है ना, कि जानवर है। बताइए आप कितने बड़े तुरम खान हैं जी जो इस प्रकार से बोलवाते हैं, दुख नहीं लगेगा? और जब खेसारी लाल यादव के टीम के लोग जब अपना बयान देने लगेंगे सोशल मीडिया पे तो पवन सिंह के साथ साथ पूरे टीम को फटने लगेगा। और जैसा कि अब देंगे जिस प्रकार से अखिलेश कश्यप को दुख लगा है, पोस्ट अपने फेसबुक अकाउंट से किए हैं कि ढेर ना दिक्कत हो जाए, तो भैया आप थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, क्योंकि खेसारी लाल यादव का टीम जब ढांसेगा तो आप नहीं सह पाइएगा। और खेसारी लाल यादव का टीम देर आता है लेकिन दुरुस्त आता है, हर बातों पे कुछ नहीं बोलना चाहता है, बहुत बर्दाश्त करता है तो बोलता है। इस प्रकार से आप बोलवा रहे हैं अपने साथ रखने वाले लोगों से, ये कौन करवा रहा है, किसके बदौलत, इसका क्या हैसियत है? आपका सपोर्ट से ही नहीं ये बोल रहा है, क्या औकात है, क्या मजाल इसका है? ये मजाल आपने दिए हैं, आपका काबू से नहीं इंसान ऐसा बोल रहा है। बाकी पवन सिंह जी आप इस चीज़ को समझिए कि खेसारी लाल यादव को इस प्रकार से आप बुलवाते हैं, और हमेशा खेसारी लाल यादव इस बात को विरोध किए हैं कि अपने साथ रखने वाले लोगों को समझाइए, नहीं तो जब हम बिगड़ेंगे तो बांस करके रख देंगे। बाकी आप सब क्या कुछ सोचते हैं, आप भी अपने विचार को कमेंट में रखिएगा। ये विशाल सिंह हैं जो पवन सिंह के टीम से आते हैं, वो लगातार खेसारी लाल यादव को ट्रोल कर रहे हैं। अब बताइए इसी बात को लेकर हमेशा खेसारी लाल यादव खफा रहते हैं, इस प्रकार से प्लीज़ हमें ना बुलवाइए, फिर भी पवन सिंह नहीं समझ पाते हैं। बाकी आप सबका क्या कुछ राय है, आप भी अपने राय को कमेंट में रखिएगा, क्या कुछ सोचते हैं। धन्यवाद।